study equivalent reducible to quadratic form type 2. प्रीवियस लेक्चर में आपने टाइप 1 पढ़ी थी. टाइप 1 में क्या था आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थी. इक्वेशंस आर नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वी रिड्यूस इट इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन. टुडे वी स्टडी द नेक्स्ट टाइप, टाइप 2 ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म. इक्वेशंस व्हिच आर नॉट क्वाड्रेटिक. इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a इनटू p ऑफ x प्लस b बाय p ऑफ x इज इक्वल्स टू c. Equations are not quadratic but can be reduced into quadratic form. Reduce हो सकती है quadratic form में. अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है? Same variable present in numerator of first term and denominator of second term. कि आपके पास कोई same variable जो first term, second term, third term, total आपके पास three terms होंगी जिसमें से same variable present होगा first term में, जो numerator में, second term में वही चीज़ denominator में होगी. तो ये आपके पास second type है कि उसको आप कैसे quadratic equation में reduce करेंगे. क्वेश्चन क्या है आपके पास? x प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू. अब आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास x प्लस टू फर्स्ट टर्म के न्यूमिनेटर में है और सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में है. सेम वेरिएबल वाली टर्म आपके पास मौजूद है इन द न्यूमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इन द डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड टर्म. अब इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड अप्लाई होगा वो क्या है कि आपके पास जो सेम वेरिएबल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है उसे आप लेट कर लेंगे y के इक्वल. लेट सपोज x प्लस टू इज इक्वल्स टू y. x प्लस टू इक्वल टू y लेट करेंगे तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगी? x प्लस टू की जगह y लेट करेंगे x प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस टू है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? वन डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू थ्री बाई टू एज इट इज लिख दिया. उसमें कहीं पे आपके पास x प्लस टू नहीं था तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी. अब आपके पास डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज आ गई हैं. फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे और उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं. डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए, फ्रैक्शंस को ख़त्म करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना होता है? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. तो अब अगर आप 2 और y का एलसीएम लें तो क्या आएगा आपके पास? 2y आएगा. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2y. 2y से थ्रू आउट सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. y मल्टीप्लाई बाई 2y फर्स्ट टर्म, 2y मल्टीप्लाई बाई 1 बाई y सेकेंड टर्म, 3y 2 मल्टीप्लाई बाई 2y. सारी टर्म्स को हमने क्या किया? 2y से मल्टीप्लाई कर दिया. 2y क्या चीज़ थी? डिनोमिनेटर का एलसीएम था. कि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्वेशन बनी हुई है. फ्रैक्शंस को सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है तो फ्रैक्शंस को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? थ्रू आउट डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब एलसीएम का मतलब कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर है तो 2 और y दोनों फैक्टर यहाँ एलसीएम में आएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2y. 2y से थ्रू आउट हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास? 2y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3y. अब आप इस टर्म को देखें तो वेरिएबल की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2. सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो गई है. आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी, आपने उसमें सपोजिशन की, सब्स्टिट्यूशन की और उसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर लिया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड है. आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कंपल्सरी क्या है? पहले राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे. हाउ वी अरेंज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? राइट ऑल द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एट वन हैंड साइड एंड मेक द अदर हैंड साइड इक्वल्स टू 0. अब राइट हैंड साइड पे जो 3y है इसको हम क्या करेंगे? सबट्रैक्टिंग 3y बोथ साइड्स सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 2y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3y. अब एक इक्वालिटी की राइट साइड पे 0 तो बन गया लेकिन लेफ्ट साइड पे जो टर्म है वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उनको अरेंज कर लेंगे. अरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे 2y स्क्वायर. y स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म होनी चाहिए? y वैल्यू होनी चाहिए. 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तीनों मेथड में से जो भी इजीली यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं हम उससे सॉल्व कर सकेंगे इसको. अब अगर हम यहाँ पे देखें अपनी इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है? a इज इक्वल्स टू 2. एक स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशियंट है वो 2. सिंपल लीनियर टर्म का जो कोफिशियंट होता है वो क्या होता है? b होता है. तो b इज इक्वल्स टू y के साथ क्या है? माइनस 3. और जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो क्या है? c इज इक्वल्स टू माइनस 2. अब आपके पास a b c की वैल्यूज आई हैं. आप अगर फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हैं तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं?
ए और सी जो होता है उसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो ए क्या है 2, सी क्या है 2, 2 2s are 4, आपके पास ए और सी का प्रोडक्ट 4 है, 4 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने, लास्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो 4 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो मिड वाला नंबर 3 बन जाए। अब 4 के कौन से फैक्टर्स हैं, 4 1 is 4 एंड 4 minus 1 is equals to 3, तो फैक्टराइजेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे, और फैक्टराइजेशन में कौन सा मेथड अप्लाई करें, मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि आपने ए और सी जो फर्स्ट और लास्ट कॉन्स्टेंट है उसका प्रोडक्ट फाइंड किया, उसके प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाए, लास्ट टर्म के साथ माइनस था तो वो फैक्टर्स जिनको माइनस करने से मिड टर्म बन गई, दैट इज कॉल्ड मिड टर्म ब्रेकिंग। अब मिड टर्म ब्रेकिंग से हमने उसको सॉल्व किया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिखी, सिर्फ हमने ये मिड टर्म नहीं लिखी, और मिड टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया, उसके फैक्टर्स में उसको ब्रेक डाउन कर दिया। मिड टर्म की जगह हमने उसको लिख दिया क्या, 3 को क्या लिखा 4 minus 1। अब आपके पास यहाँ पे 2y² - 4y + - (-1y - 2) = 0 बन गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4। अब हम ग्रुप्स बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म का एक ग्रुप बना लिया, थर्ड और फोर्थ टर्म का सेकंड ग्रुप बना लिया। नाउ मेक ग्रुप्स एंड देन टेकिंग कॉमन। फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या चीज़ है, 2 भी कॉमन है, 2 का टेबल भी दोनों टर्म्स में आता है और y भी दोनों टर्म्स में आता है, तो हमने 2y कॉमन ले लिया। बचा क्या फर्स्ट टर्म में, 1y बाहर चला गया तो 1y रह गया, सेकंड टर्म में y एक ही था वो बाहर चला गया तो सिर्फ क्या रह गया 2 2s are 4। इसी तरह सेकंड ग्रुप में अगर आप देखें तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म की ग्रुप की फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव है, तो हमने सबसे पहले प्लस लिखा। अब 1y - 2, ना तो y दोनों में मौजूद है और ना ही कोई ऐसा नंबर, ऐसा कोई टेबल है जो दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या चीज़ कॉमन ले ली 1। अब क्या रह गया हमारे पास y - 2, 1 कॉमन लेने से किसी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम रहती है। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस भी हमने कॉमन नहीं लिया, इसका मतलब है ना ही कोई साइन चेंज होगा और ना ही कोई वैल्यू चेंज होगी। अब आपके पास y - 2 y - 2 दोनों सेम आ गए, इट मींस फैक्टराइजेशन इज ट्रू। y - 2 फर्स्ट फैक्टर और जो उनके बाहर उनको मल्टीप्लाई कर रहा है 2y + 1 सेकेंड फैक्टर। इफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन वी यूज जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। अब यहाँ से आके हमने क्या किया है, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज किया, इधर y - 2 = 0 और 2y + 1 = 0। फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज दैट y = 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इंप्लाइज दैट y = -1/2। अब आपके पास दो आंसर आए, एक y = 2 और एक y = -1/2, लेकिन ये आपका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्यों नहीं है ये, क्योंकि सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, सोल्यूशन में तो आपके पास x के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन में तो आपके पास वेरिएबल x था, लेकिन यहाँ तो आपके पास आंसर वेरिएबल y के अभी, तो क्या कंपल्सरी स्टेप है जो हमने यहाँ पे करना है, बैक सब्सिट्यूशन। जब भी आप खुद से कोई सब्सिट्यूशन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एंड पे बैक सब्सिट्यूशन कंपल्सरी स्टेप होता है, वो आप बैक सब्सिट्यूट करते हैं, आपके ओरिजिनल वेरिएबल का जो आंसर आता है वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ से आगे क्या किया, बैक सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। When y is equals to 2, हमने सब्सिट्यूट क्या किया था, हमने तो x plus 2 की जगह y लिखा था, तो y के जो आंसर आए हैं y की जगह हमने बैक सब्सिट्यूशन कर दी, y x plus 2 था तो y की जगह हमने x plus 2 डाल दिया। अब y की फर्स्ट वैल्यू 2 थी तो x plus y is equals to 2 means x plus 2 is equals to 2, सेकेंड वैल्यू क्या है -1/2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व कर लेना है, x plus 2 is equal to 2 means वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको सेपरेट करने के लिए सबट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड करेंगे, x is equals to 0। अब सेकेंड इक्वेशन में भी इसी तरह सबट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड करेंगे, तो अब x is equals to आपके पास राइट साइड पे -1/2 फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शंस को आपने सॉल्व किया टेकिंग LCM, तो आपके पास क्या आंसर आया -5/2। तो क्या आंसर आया आपके पास, दो आंसर आए x के, फर्स्ट वन 0 और सेकंड वन -5/2। आपके क्वेश्चन का वेरिएबल x था तो आपके पास वेरिएबल x के ही आंसर आए 0 एंड -5/2। इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं थी गिवन में उसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं थी, लेकिन हमने उसको सब्सिट्यूशन करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज किया, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करके उससे उसके अननोन वेरिएबल x जो उसमें यूज हो रहा था उसकी वैल्यूज फाइंड आउट की। अब ये टाइप में आपके पास क्या होता है, द सेम वेरिएबल इज प्रेजेंट इन न्यूमिरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड टर्म। तो आप क्या करते हैं, वो जो वेरिएबल सेम प्रेजेंट है उसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, x - 4/x = 2। अब x - 4/x एक वही टर्म न्यूमिरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म और डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड टर्म में मौजूद है। अब आपने
क्या करना है, अब यहाँ पे x के साथ कोई एक्स्ट्रा वैल्यू भी होती, प्लस टू जैसे पीछे था, यहाँ पे कोई भी नंबर होता उसके साथ, तो पहले हम उसको सब क्या करते हैं, लेट करते हैं y की को, लेकिन यहाँ हमें लेट करने की जरूरत भी नहीं है, हम थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई x, तो x मल्टीप्लाई बाई x, 4 बाई x मल्टीप्लाई बाई x, 2 मल्टीप्लाई बाई x, सारी टर्म्स को, तीनों टर्म्स को हमने 1 बाई 1 x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, तो अब हमें किसी सब्सिट्यूशन की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वेरिएबल सिंपल फॉर्म में था, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं था कि हम उसको सपोज करते और चेंज करते, सब अब एक्स्ट्रा नंबर नहीं था तो हमने डायरेक्टली उस डिनोमिनेटर वाले x से थ्रू आउट सबको मल्टीप्लाई किया, तो हमारी इक्वेशन चेंज हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में वो चेंज हुई, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आती, तो उसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, जो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई, ये इक्वेशन आपकी गिवन इक्वेशन थी वो चेंज हो गई किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, लेकिन आपको पता है कि फैक्टराइजेशन हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, जिन क्वेश्चन में फैक्टर्स बन सकते हैं फैक्टराइजेशन वहीं पे सिर्फ पॉसिबल होती है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास लास्ट में नंबर है 4, 4 के आपके फैक्टर्स बनाने हैं, 4 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, जिन्हें माइनस करें तो मिड वाला नंबर 2 बन जाए, है ऐसे कोई फैक्टर्स 4 के, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके पास, 4 वंस आर 4 और दूसरे कौन से हैं, 2 टूज आर 4, इन दोनों से किसी भी तरह किसी भी फैक्टर से आपके पास मिड टर्म 2 बनती है, आप 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 होता है, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 होता है, इट मींस फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल है, तो किसको यूज करेंगे आप, क्वाड्रेटिक फार्मूला को, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, आपने a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a है, जो यहाँ पे 1 है, x के साथ जो नंबर माइनस 2 है वो b, और कॉन्स्टेंट टर्म c इज इक्वल टू माइनस 4 है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a में वैल्यूज पुट करेंगे और f वेरिएबल x के दो आंसर फाइंड करेंगे विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इक्वेशन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक नहीं थी लेकिन आपने डिनोमिनेटर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो किसमें चेंज हो गई, क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, इसी मेथड से रेलिवेंट, इसी टाइप से रेलिवेंट है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है। अब फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर क्या है, x प्लस 2, जो सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर है, और फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो सेकंड टर्म का न्यूमिनेटर है, मींस ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसी का रेसिप्रोकल जो है वो सेकंड टर्म है, जैसे आपके पास होता है ना x और माइनस 1 बाय x, कि जो न्यूमिनेटर में था सेम वही चीज डिनोमिनेटर में थी, इसी तरह से आपके पास इस एग्जांपल में भी है कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और दूसरा उसी का रेसिप्रोकल है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, कि आपके पास फर्स्ट टर्म के जो न्यूमिनेटर में है वो सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में वैल्यू है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप x प्लस 2 को सिर्फ y सपोज नहीं करेंगे, आप x प्लस 2 को y सपोज करेंगे तो दोनों इक्वेशंस दोनों टर्म्स में x प्लस 2 की जगह आप y डाल देंगे तो x माइनस 2 तो बच जाएगा, अगेन आपके पास वेरिएबल x भी होगा वेरिएबल y भी होगा, तो फिर आप उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ से आपको सब्सिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल दिया गया है वो सारे का सारा खत्म हो जाए और उसकी जगह एक नया वेरिएबल आ जाए, आप सिर्फ x प्लस 2 को y सपोज करेंगे तो आपके पास x माइनस 2 तो अलग टर्म है, इसका मतलब है हम जो सपोज करेंगे हम पूरा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इस पूरे को y सपोज करेंगे, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 को अगर हम y सपोज करें तो यहाँ पे तो वही टर्म नहीं है, यहाँ तो टर्म्स चेंज है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर पे आ गया। अब y सपोज करने का मतलब क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, y means y divided by 1, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 अगर y है तो x प्लस 2 x माइनस 2 का रेसिप्रोकल अगर हम ले लें, इस चीज का रेसिप्रोकल लें लेफ्ट साइड का, तो राइट साइड का भी हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, राइट साइड हमारे पास y है मींस y के साथ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y बन जाएगा, तो आप क्या आ जाएगा हमारे पास, इफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू y, इफ दिस इज इक्वल टू y then this becomes 1 divided by y, क्योंकि ये उसका क्या है reciprocal है, y का reciprocal क्या होता है 1 by y, जो इसका numerator है वो इसका denominator है और जो
डिनोमिनेटर है वो सेकंड का न्यूमिनेटर है, मीन्स आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो आपने कंप्लीट फर्स्ट टर्म को y सपोज करना है, तो कंप्लीट सेकंड टर्म उसी का रेसिप्रोकल है, तो y का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/y। अब आप जब लिखेंगे, आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आपके पास आपने सपोज इसको y के इक्वल किया, आपके पास y के जो आंसर आएंगे आप उसको यहाँ पे ही बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपने x x प्लस टू डिवाइड बाई x माइनस टू को y सपोज किया, तो आपकी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी y माइनस, अब ये वाली चीज क्या है, इस चीज को हमने क्या सब लिखा, अगर ये y है तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या है 1/y, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा 1/y, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई y माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 5/6, क्योंकि हमने अपनी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए उसमें से वेरिएबल x को वेरिएबल y की जगह सपोज कर लिया, और कैसे सपोज किया, इस तरह से सपोज करना है कि x कम्प्लीटली खत्म हो जाए और आपके पास पूरी इक्वेशन y में चेंज हो जाए। तो x कम्प्लीटली खत्म करने के लिए हमने x प्लस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू इस पूरे को y सपोज किया। अब ये पूरा अगर y है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, x माइनस टू डिवाइडेड बाई x प्लस टू है, तो वो क्या हो जाएगा y का रेसिप्रोकल मीन्स 1/y, तो इक्वेशन क्या बन गई y माइनस 1/y इज इक्वल टू 5/6। अब आप देखें वही वेरिएबल न्यूमिनेटर में, सेम वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो आप क्या करेंगे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ y नहीं है, y भी है और 6 भी है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 6y, डिनोमिनेटर में जो 6 और y दोनों है इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए और हमारे पास सिर्फ न्यूमिनेटर की फॉर्म में प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 6y किया तो क्या बना 6y² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5y, इक्वेशन बिकम्स क्वाड्रेटिक बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो रीअरेंजिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज 6y² अब इक्वल की राइट साइड पे प्लस 5y था, जब वो इक्वल की लेफ्ट साइड पे आया तो क्या बन गया माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन थी ये, आपने उसमें सब्स्टिट्यूशन की तो आपकी इक्वेशन ये बनी जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन y, आपका ओरिजिनल वेरिएबल x था लेकिन आपने उसको y के इक्वल सपोज करके उसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर दिया। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वेरिएबल y की वैल्यूज फाइंड करेंगे और वेरिएबल y के जो आंसर्स आएंगे उन्हें वापस कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे जहां पे आपने उसको y के इक्वल सपोज किया हुआ है, y के जो भी आंसर आएंगे उसे आप बैक सब्स्टिट्यूट यहां पे करेंगे तो आपके पास वापस किसके आंसर आ जाएंगे x के आंसर आ जाएंगे। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं, आप जो भी मेथड इजीली आपको लग रहा है यहाँ एप्लीकेबल आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करें a और c को तो क्या है 6 6 36 36 के फैक्टर्स लास्ट टर्म के साथ माइनस है, जिनको माइनस करें तो मिड टर्म 5 बन जाए, है ऐसे फैक्टर्स 9 4s are 36 और 9 में से 4 माइनस करें तो मिड टर्म 5 कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब है यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन हम मिड टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6y² माइनस 5 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया 9 - 4 में, मिड टर्म ब्रेक कर दी हमने 9 - 4 में, तो हमारे पास 4 टर्म्स हो गई 6y² माइनस 9y फर्स्ट ग्रुप 4y - 6 सेकेंड ग्रुप। नाउ टेकिंग कॉमन हमने लिया तो हमारे पास फैक्टर आए 2y - 3 एंड 3y + 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 फैक्टर प्रॉपर्टी के साथ आप आगे कंप्लीट सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आपके पास 2y - 3 इक्वल टू 0 को सॉल्व किया, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी तो आपने सबसे पहले क्या किया एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, 3 को -3 था उसे शिफ्ट किया तो दूसरी साइड जाके +3 हो गया, 0 + 3 3 अभी भी y सेपरेट नहीं हुआ तो y के साथ जो 2 था उसको खत्म करने के लिए डिवाइड किया तो आंसर क्या आया y का 3/2। इसी तरह 3y + 2 इज इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू -2/3 कि y पहले 2 शिफ्ट होगा +2 है तो दूसरी साइड पे जाएगा -2 होगा देन 3 उसके साथ डिवाइड करेंगे। अब y के दो आंसर आए हमारे पास, y हमारा सब्स्टिट्यूट वेरिएबल है, वो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, वो तो हमने खुद से सपोज किया था
किसके इक्वल सपोज किया था, x प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस टू। हमारे पास जो इक्वेशन में x प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस टू था उसकी जगह हमने y सपोज किया था, तो हम वहां पे से ही बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू। y इज इक्वल टू 3 बाय 2 है, तो y की जगह हम क्या डालेंगे, x प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस टू। और y इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3 है, तो y की जगह अगेन उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यूज आपके पास आएंगी। अब आपने 1 बाय y को यूज नहीं करना, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर y के आ रहे हैं, तो जहां y सपोज हुआ था उसी से उसको फाइंड करना है। जो आपने 1 बाय y लिखा था वो तो रेसिप्रोकल वैल्यू के लिए लिखा था, वो आपकी ओरिजिनल सपोजिशन नहीं थी। ओरिजिनल सपोजिशन आप पहली टर्म से करते हैं, जो दूसरी सपोजिशन है वो आपने अपनी इक्वेशन को कंप्लीट y के फॉर्म में चेंज करने के लिए उसके अकॉर्डिंग यूज किए। अब y जहां आपने सपोज किया हुआ है उसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। y क्या था, x प्लस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू, तो x y की वैल्यू जब 3 बाई 2 है तो इसका मतलब है x प्लस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू 3 बाई 2 है, माइनस 2 बाई 3 है तो x प्लस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। हमने y की जगह उसकी बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी। अब जब हमने y की जगह बैक सब्स्टिट्यूशन की तो हम अपनी इक्वेशन देखें तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, जो फ्रैक्शंस हैं फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो हम कैंसिलेशन करते हैं। फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल हो, चैप्टर नंबर 7 में ग्रेड 9 में आपने इनइक्वालिटीज जब सॉल्व की थी उसमें भी आपने इक्वेशन और इनइक्वालिटीज उसमें भी ये चीज आपने पढ़ी थी कि फ्रैक्शन एक तरफ एक फ्रैक्शन हो दूसरी तरफ भी एक फ्रैक्शन हो, सिंगल एक एक फ्रैक्शन दोनों तरफ इक्वालिटी के साथ आ जाए तो आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमेशा सॉल्व करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर खत्म करना है, राइट साइड वाला डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड के न्यूमिनेटर पे और लेफ्ट साइड वाला डिनोमिनेटर राइट साइड के डिनोमिनेटर में, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन हैं दोनों में, तो हम फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मीन्स जो राइट साइड पे 2 डिवाइड हो रहा था वो हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लिया और लेफ्ट साइड पे जो x माइनस 2 था वो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 एंड 3 इंटू एक्स माइनस 2। सेम यही पैटर्न हम यहाँ इस इक्वेशन के लिए भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड पे और राइट साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जब हमने किया तो मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट का मतलब हमेशा एक से ज्यादा चीज मल्टीप्लाई करनी हो तो ब्रैकेट कंपल्सरी है। 2 के साथ x प्लस 2 को ये डिनोमिनेटर इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना था तो हमने उसकी साइड पे क्या डाली, ब्रैकेट डाली। ब्रैकेट कंपल्सरी होती है जब भी एक से ज्यादा चीज को मल्टीप्लाई करना हो। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ भी और 2 के साथ भी, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x एंड 2 2 जा 4। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ भी और माइनस 2 के साथ भी, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x एंड 3 2 जा 6। अब 2x प्लस 4, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, क्या हुआ माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x को सेपरेट करेंगे, इक्वालिटी की दोनों तरफ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, हमारे पास x का आंसर आया माइनस 10। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आएगा माइनस 2 बाय 5। अब इक्वेशन में अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाए इक्वालिटी का साइन हो मिड में तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। जैसे फ्रैक्शंस के मिड में प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो कैंसिलेशन करते हैं, इक्वालिटी हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल फ्रैक्शंस आ गए इक्वालिटी में तो हमने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारे पास वेरिएबल एक्स के दो आंसर आए, वन इज 10 एंड द अदर इज माइनस 2 बाय 5 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी, आपने उसमें सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन में आपके पास इक्वेशन y में चेंज हो गई, y में क्वाड्रेटिक फॉर्म वो बन गई, क्वाड्रेटिक की हेल्प से आपने उसे सॉल्व किया, y के दो आंसर आए बट आपको y के आंसर्स नहीं चाहिए थे तो आपने y की जगह जो सब्स्टिट्यूशन की थी वापस उसको बैक सब्स्टिट्यूट करके ओरिजिनल वेरिएबल x की वैल्यूज फाइंड आउट की विच बिकम्स द सॉल्यूशन सेट। इसी तरह से आपको एग्जांपल्स भी इससे रेलिवेंट गिवन है। एग्जांपल्स क्या है आपके पास, 2x plus 4 divided by x is equals to 9. तो यहाँ पे भी क्या दिया गया है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई है। अब जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया है और स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके ये दो फैक्टर्स बनाए गए हैं और फैक्टर्स बनाकर उस पर जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज के लिए। अब एग्जाम्पल डायरेक्ट स्टेप में सॉल्व की गई है, उसमें प्रॉपर स्टेप्स नहीं है बट आप जब रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीट स्टेप्स के साथ एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से फैक्टराइजेशन के मेथड से कंप्लीट आपको ये फैक्टर्स कैसे आप
उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फिर आप उसमें आपके पास पेयर्स बनेंगे, फिर कॉमन लेंगे, फिर आपके पास ये फैक्टर्स आएंगे जिन पे आप जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगा के ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सेम इसी पैटर्न पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो अभी आपने एग्जांपल सॉल्व की उससे रेलिवेंट भी है। आपके पास क्वेश्चन में x माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस थ्री है और दूसरा x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई x माइनस वन है कि आपके पास ये वाली जो टर्म थी दूसरी टर्म उसी का रेसिप्रोकल थी। तो इसको आपने सपोज कर लिया y, ये जो टर्म थी इसको आपने सपोज कर लिया y, तो ये जो टर्म जो उसका रेसिप्रोकल थी ये क्या बन गई, वन बाई वाई बन गई कि आपके पास x माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस थ्री है अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो दूसरा x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस वन है। तो अब यहाँ पे ये जो है इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, मीन्स अगर आप इसको y सपोज करते हैं तो दूसरा उसी का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल y का क्या बन जाएगा, वन बाय वाई। एक को हमने y सपोज किया, दूसरा वन बाय वाई हो गया। जब हमने उसमें पुट किया तो y प्लस वन बाय वाई इज इक्वल टू 13/6। अगेन डिनोमिनेटर में जो 6 और y उससे थ्रू आउट क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। आपके पास दो आंसर्स आए हैं, 3/2 एंड 2/3। अब जब बैक सब्स्टिट्यूशन की, y के आंसर्स तो हमें नहीं चाहिए थे, y तो हमने सपोज किया हुआ था, ये तो हमारी y सपोजिशन थी यहाँ पे, y हमने यहाँ पे ये जो सपोज किया हुआ है यहाँ से y के आंसर बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इज इक्वल टू x माइनस वन डिवाइड बाई x माइनस थ्री। अब पुट किया तो यहाँ पे इस स्टेप में आप चेक करें क्या नजर आ रही है आपको, फ्रैक्शन जब आपने y की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट की, ये y था, y की वैल्यू थी, y तो आपको नहीं चाहिए, आपने वापस x माइनस थ्री डिवाइड बाई x प्लस वन उसकी जगह डाल दिया जो यहाँ से सपोज किया था। अब जब पुट किया तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन गई, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, आपने प्रॉपर स्टेप्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये वार्निंग में लिखा हुआ भी है, ये आपको वार्निंग के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है, व्हेन यू परफॉर्म अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल यू मस्ट रिमेंबर टू गो बैक एंड एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल। तो इसमें से आपके पास ये जो एमसीक्यू आपके पास क्या है, अगर आप किसी क्वेरी को सब्स्टिट्यूट करके खुद न्यू वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे तो ये कंपल्सरी होगा कि आप वापस उसके ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर फाइंड करें, वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इसी तरह से आपने आज जो आपकी दो एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 7 और 8 कंप्लीट प्रॉपर प्रैक्टिस रफ नोटबुक पे करनी है और टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 4 5th एंड 6th पार्ट, उनको नीट नोटबुक पे प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को स्टेप वाइज प्रॉपर अटेम्प्ट करना है नीट नोटबुक पे, स्टेप्स मिस नहीं करने हैं, और एमसीक्यूज जो आपने डेफिनेशंस या जो टाइप पढ़ी है उसमें से प्रॉपर्ली